औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम लविंग फॉलोअर्स को K4 कराची से सैयद अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट सामने। ये जामा मेमन मस्जिद है, उभाई मेमन जामा मस्जिद है, इसके बिल्कुल सामने ही इनकी शॉप है। भैया कितना अर्सा हो गया शॉप को आपकी? तकरीबन 35 से 40 साल का अर्सा हो गया। 40 साल का अर्सा हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी ये भी जब उन जितने होते होंगे, यकीन रहना यार। तो अब माशाल्लाह अल्लाह ने हाथ थामा हुआ, क्योंकि शुरू से मैं बहुत अर्सा पहले भी आया था यहाँ पर, तो रेट्स इनके इकोनॉमिकल होते थे। अभी लिटरली मैंने अभी रेट्स नहीं पूछे, लेकिन रेट्स इनके आज भी इंशाल्लाह लजीज, और आइटम्स बहुत से यूनिक आइटम्स आ चुके हैं यहाँ पर। आवाम आप देखें, माशाल्लाह पब्लिक आ रही है और परचेजिंग कर रही है, बहुत से आइटम है। भैया बताएंगे ज़रा क्या है? ये कीमे कचौरी है। कीमे की कचौरी, ये स्टिक चिकन जी, चिकन स्टिक रोटी, वो कटले कबाब है, चपली कबाब है, सही हो गया। और ये चाइनीज़ रोल है, चिकन का रोल है, और सैंडविच है जी, ये चिकन समोसा है जी, ये दाल की कचौरी है जी, और ये आलू का समोसा है जी। गुड, बेहतरीन बेहतरीन माशाल्लाह। और जलेबी? जलेबी 100 रुपये पाव, 400 रुपये किलो। ठीक हो गया, तो चले आए अब इनसे। मैंने काफ़ी डिटेल आपसे इंट्रो के दौरान ही ले ली, बहरहाल और इनसे डिटेल लेते हैं, रेट्स वगैरह भी पूछते हैं। अभी आइटम्स पूछें इनसे, रेट्स वगैरह पूछता हूँ इनसे, और फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। रिव्यू देना ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे आइटम्स हैं, ज़बरदस्ती गड़बड़ हो जाएगी। तो बहरहाल चले आएँ, शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वाईकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह करम है। क्या नाम है आपका बड़े भाई? असगर इकबाल। सॉरी, असगर इकबाल। असगर भाई, असगर भाई ये बताएं कि आप शॉप पे पहली दफ़ा हैं, पहले भी आते हैं? पहली दफ़ा, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम आए, तो जो आपने यहाँ पे टेस्ट किया कैसा लगा? कुछ समझ? नॉर्मल है। नॉर्मल है, रेट के हिसाब से? रेट सही है, नॉर्मल रेट सही है, टेस्ट नॉर्मल है। चलिए जी, नॉर्मल वाली बात भी होती है कि रिव्यू जेन्युइन होना चाहिए। जेन्युइन आप बताएंगे, मतलब एक होता है कि जी समोसे तो आपको पता कैसे मिलते हैं। हाँ जी, रेट के हिसाब से 25 रुपये का समोसा भी है, 30 रुपये का समोसा भी है, बड़ा कर देते हैं रेट के लिए। आते समोसा सही, नॉर्मल है जी। बहुत शुक्रिया। यहाँ आप जो दुकान पर आए हैं, जिनकी इनके पास पहली दफ़ा है, पहले भी आए हैं? पहले बहुत बार आए। बहुत बार आए, तो टेस्ट के हवाले से, रेट्स के हवाले से कुछ रिव्यू दें अपना। रेट भी सही है, टेस्ट भी सही है। सही है या अच्छा है? सही सही, अच्छा 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 है। टेस्ट, रेट इकोनॉमिकल है। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगती है? सभी अच्छा है, सभी अच्छा है, ज़बरदस्त हो गया। बारिश का मौसम है, बहुत से व्यूअर्स ने बताया था, बारिश में कहा था कि फरमाइश की थी ऐसे आइटम आपके साथ शेयर करूँ, तो आइटम्स को माशाल्लाह दिखा दें एक साथ लाइन से, कितने आइटम हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आइटम्स हैं। तो बारिश के हवाले से बेहतरीन आइटम है ये सारे, तो है ना, मज़ा आता है। और रेट इकोनॉमिकल है भाई, आज मतलब महंगाई इतनी है कि जब ये निम को लेने भी निकलो तो बंदे की शुगर डाउन हो जाए। तो बहरहाल आप खुश है, ये भी खुश है, व्यूवर और दूसरों से भी पूछते हैं। बहुत शुक्रिया। क्या हम काफ़ी सालों से आ रहे हैं? 20 साल से तो मैं आ रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, 20 साल हो गए इस महंगे दौर में, इतना टाइम मतलब बंदा पेट भर के खा लेता है। और यही तरीकेकार इनका 20 साल या 30 साल पहले भी इसी तरह थे, आज भी वैसे ही है। कोई ये नहीं कह रही मतलब बनावटें करके दिखावा शुरू कर दिया, आज भी सादगी से उसी तरह देते हैं। वो इनका मियार है, जो 20 साल पहले मियार था वही आज इनका मियार है। आज भी मेंटेन किया हुआ और आज भी मार्केट रेट से माशाल्लाह इकोनॉमिकल रेट है। हां, बहुत मुनासिब रेट है। आपको यहां पे सबसे अच्छा आइटम क्या लगता है, जो आप खा रहे हैं या कुछ और भी है? जो है इनकी कचौरी जो है वो बहुत मशहूर है, कचौरी है इनकी, दाल वाली कचौरी। और कोई स्पेशल आइटम आप समझते हैं कि पब्लिक को बताया जाए कि इनका ये आइटम भी अच्छा है? इनके जो जलेबी है गरम गरम जलेबी, हाँ कड़क है वो, मैंने देखा खासतौर पे, नरम जलेबी नहीं है, क्रिस्पी है, जो लोग अमूमन पसंद करते हैं। तो माशाल्लाह ये भाई ने भी मुझे खुद अपनी तरफ से रिव्यू दिया, तारीफ की, तो तारीफ होती है दिल से। तो जब दिल से उन्होंने बताया रिस्क खा रहे हैं तो झूठ नहीं बोलेंगे। वालेकुम अस्सलाम जी सर। कैसे हैं भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आपसे 2 मिनट चाहिए तो मुझे वो टाइम मिल नहीं पा रहा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ऐसे ही मसरूफ है, असल में आर्डर का माल देना है मेरे को उनसे परेशानी हो रही है। सही, अच्छा 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 अच्छा, वो पैकिंग ही नहीं रुक रही, मैंने कहा कस्टमर इतने हैं नहीं, आप लगे पड़े, तो वो है कचौरी की पैकिंग चल रही है आपकी जी? नहीं, समोसे वगैरह भी, समोसे सब चीज़। अच्छा, कुछ सेटअप बताएं, कितना ऐसा हो गया आपको यहाँ पर? यह तकरीबन यहाँ पे हमारे को तो 40 साल का अर्सा हो गया। 20 साल पहले ठेला लगता था, उसके बाद 20 साल को तो अपना 2000 में बिल्डिंग बनी है, तो 2022 चल रहा, 22 साल को दुकान होगा। जबरदस्त, यानी 2000 से बिल्डिंग बनी, तो पहले शुरुआत ठेले से हुई थी आपकी? ठेले से। तो आपने शुरुआत की थी या वाले साहब? वाले साहब होते थे, फिर मैं था, फिर मेरे छोटे भाई वगैरह थे। सही सही। अब मैं संभाल रहा हूँ, वालिद का इंतकाल हो गया। सही बात है, अल्लाह जी जी खैर से उनके जन्नतुल फिरदौस में जगह था फरमाए। बहरहाल उनका लगाया हुआ पेड़ है, जो माशाल्लाह आज औलादें चला रही हैं, और आज आपकी भी औलादें इस काबिल लोग हो जाएंगी या हो गई होंगी। तो ये माशाल्लाह वो है जनरेशन, वो कहते हैं ना, नौकरी चलाए एक घर, कारोबार चलाए पूरी नस्ल वाली बात है, कि अगर कारोबार में बरकत हो, ईमानदारी हो, तो ज़रूर चलता है। तो आप बताएं भाई, आपकी रेट्स वगैरह, कचौरी जो है किस चीज़ की है?
यार रेट बहुत रीजनेबल मिल रखे। मैं वो कीमे की कचौरी कहलाती है, वो 60 रुपए की है, सेना स्टिक बोटी है 50 की, चिकन है, रोल है चिकन और वेजिटेबल, ये 30-30 रुपए के हैं। ठीक है, चिकन समोसा, कीमे का समोसा, आलू का इनके 25 के रेट हैं, 25 के, सैंडविच 40 का है, कचौरी 15 की है, और इसमें तरकारी कंपलसरी है, तक हर कस्टमर तक तरकारी के बगैर हिलता नहीं है। आपके पास ये जो जादू है वो तरकारी, सिर्फ तरकारी का जादू है। और उसके अलावा हर आइटम के रेट अपने वो जायका मुख्तलिफ है, और आपने देख ही रहे हैं आप जी, जो कुछ भी है बता रहा है, आपको बोलने की जरूरत नहीं, पब्लिक बता रही है, व्यूवर्स के देखें, मतलब लोग आते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, तो वही वाला सिलसिला माशाल्लाह। रेट भी आपके साथ शेयर किए, चलें आगे चलते हैं। इसकी वजह से मैंने थोड़े रेट कम कर दिए अपने, वो अपने आइटम मैंने कम कर दिए हैं। अच्छा। कुछ आइटम ऐसे थे जो मैं बनाता था, महंगाई की वजह से मैंने बंद कर दी है, मतलब रोलिंग नहीं हो रही थी, रोलिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि कस्टमर को भी देखना पड़ता है। सही बात है, जो डिमांड है वही रखेंगे ना, वो कुछ ज़रा एक्सपेंसिव आइटम थे स्पेशल। हाँ, वो गाठिया पापड़ी होती थी जिसको इंडिया के अंदर जलेबी फाफड़ा कहते हैं, आजकल मैं वो नहीं बना रहा, शकर पारे वगैरह थे, पकोड़े थे, वो नहीं बना रहा मैं, वो बहुत कुश्ती पड़ रहे थे। आप चावल सही कह रहे हैं, महंगाई की वजह से या पब्लिक की वजह से जो पसंद किया जाएगा वही बेचा जाएगा, जो पब्लिक चाहेगी वही सेल किया जाएगा। नाम बड़े आपका मसूद राम, मसूद भाई हैं, मसूद भाई अभी सेटअप को चला रहे हैं, तो और इसका मैं इनसे बिल्कुल नाम, शॉप किस नाम से आपका? दुकान मेरे भाई है ना, रहमान के नाम से है, हाँ, नाम लेकिन कोई नाम नहीं लिखा हुआ, देखें देखें कोई नाम नहीं है इनका, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो खुद असर है भाई मसूद भाई के, भाई नाम तो कोई है ही नहीं, बस अल्लाह की शान है कि मशहूर हुए मैं खुद ब खुद। तो वो सामने मस्जिद बता दी मैंने आपको, अपना हुसैनाबाद की मस्जिद है, जामा मेमन में, उभाई मेमन जामा मस्जिद, उसके बिल्कुल सामने गली में ये सेटअप है इनका। टाइमिंग क्या है मसूद भाई? टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात को 9:30 बजे, सुबह 10 बजे से रात को 9:30 बजे तक के टाइमिंग है, यानी सुबह भी मूड हो तो आ जाए, बारिश के दिनों में तो आजकल माशाल्लाह वाह वाह। चले जी, इनका कुछ आइटम चेक करते हैं और आपको रिव्यू देता हूँ सारा। नहीं, ये जनाब समोसे तैयार हो रहे हैं और गर्मी में लगे पड़े हैं भाई, ये हंसी आ गई भाई को। क्या नाम है भाई तुम्हारा? आरिफ। तो देखे जी, इन लोगों का हौसला होता है, गर्मी में लगे होते हैं आप लोगों की खिदमतों में, अपने रोजगार में, लेकिन मेहनत होती है तो जायका आता है उसमें। तो माशाल्लाह कीमे के समोसे, कीमे के हैं ना ये वाले, कीमे के समोसे तैयार हो रहे हैं, वो इनकी तरकारी रखी हुई है जो मसूद भाई ने बताया, हर आइटम के साथ तरकारी चलती है इनकी, जो कि स्पेशलिटी है इनकी। तो ये देखें आप, पब्लिक अभी भी मौजूद है यहाँ पर, रश लगा हुआ है माशाल्लाह पब्लिक का, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई यहीं खड़े होकर खा रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट कोई नहीं है, लेकिन माशाल्लाह पब्लिक आ रही है। तो चलें फिर अब इसी के साथ अपना व्लॉग को एंड करते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, बहुत से फॉलोअर जिन्होंने कल परसों ही मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि बारिश के आइटम में समोसे पकोड़े रोल वगैरह ये अलम वलम वो सब एक्सप्लोर करें, वो आइटम दिखाएं, तो मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये आपके साथ एक्सप्लोर किया, रेट भी इकोनॉमिकल, जायका बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, तो आइएगा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट के साथ ही जामा उखाई मेमन मस्जिद है, उसके साथ ही सामने ही है ये। दुआ करता हूँ कि आपको, उम्मीद करता हूँ बल्कि कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।